इंट्रोड्यूसिंग वीवो वी 19 प्रो। दोस्तों कुछ ही समय पहले लॉन्च हुआ था वीवो का वीवो वी 17 प्रो, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फ़ोन था। और दोस्तों अब बहुत ही जल्द वीवो की वी सीरीज़ का एक नया फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि होगा दोस्तों वीवो वी 19 प्रो। दोस्तों इस फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो लुक्स हैं वो लीक्स हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें फ़ोन की कुछ हाईलाइट के बारे में, तो फ़ोन में आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में आपको मिलेगा फ्रंट में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, और आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो जी 90T प्रोसेसर। तो दोस्तों ये फ़ोन वीवो वी 17 प्रो से काफ़ी बेटर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीवो वी 19 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, और आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आपको मिलेगा डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 418 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो आपको फ़ोन की डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है, कोई भी कलर सेचुरेशन में और कलर रिप्रोडक्शन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का एक्समोर RSEMOS सेंसर के साथ, और दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा, और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो रियर कैमरा की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, लो लाइट में आपको काफ़ी बढ़िया इमेजेस मिलेंगी, साथ में आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60fps पर। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट में आपको मिलेगा डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आपको पोर्ट्रेट इमेजेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो जी 90T प्रोसेसर, जो कि एक नया और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। साथ में आपको मिलेगा एड्रेनो 618 का GPU, जो कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो आप इस फ़ोन में कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, और कस्टम UI आपको मिलेगा फनटच OS 9.1 का। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जिसमें आपको 35W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, टाइप सी का सपोर्ट आपको फ़ोन में मिलेगा, और 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको फ़ोन में मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरियंट और इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो बेस वेरिएंट की प्राइस, यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 25,000 से 28,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।